जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया, एक राक्षस था मुर नाम का। जब वो पापात्मा राक्षस पाप से भर चुका, चारों ओर उसके द्वारा पाप ही पाप होने लगे, तब भगवान श्रीमन्नारायण से भगवान ने संकल्प लिया कि इस पापी राक्षस का उद्धार करने के लिए भगवान ने संकल्प लिया। तो एक कन्या प्रकट हुई, उस कन्या का नाम था एकादशी। एकादशी क्यों? एकादशी मतलब ग्यारस, ग्यारस मतलब ग्यारह। क्या ग्यारह? पांच ज्ञानेन्द्री, पांच कर्मेंद्री, एक मन। हमारी ज्ञानेन्द्री आंख से आप देख पाते हैं, कान से आप सुन पाते हैं, मुंह से आप, जिह्वा से आप बोल पाते हैं, नाक से आप सूंघ पाते हैं, चमड़ी से टच कर पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं। ये ज्ञान ही तो हो रहा है। आंख से देखने का ज्ञान, रूप का ज्ञान, कानों से शब्दों का ज्ञान, ये ज्ञान इंद्री है जो हमें ज्ञान कराती है। कर्मेंद्री है जिनसे कर्म करते हैं। हाथ ना हो आप तो लेने देने का कर्म कैसे करेंगे? लेने देने का कर्म, पांव से चलने फिरने का कर्म, मुंह से बोलने बताने का कर्म, और मूत्र द्वार और मल द्वार, टोटल पांच कर्मेंद्री प्लस पांच ज्ञानेंद्री। और इन दसों को नियंत्रण करने वाला कौन है? मन। इन दसों का सारथी कौन है? तो ये जो दस और एक मन टोटल हो गए ग्यारह। भगवान के दसों इंद्री और मन से जो प्रकट हुई उस कन्या का नाम एकादशी है, क्योंकि भगवान के ग्यारह तत्वों से प्रकट हुई। भगवान के ग्यारह तत्वों से प्रकट हुई इसलिए इनका नाम पड़ा एकादशी। तो एकादशी जब प्रकट हुई तो भगवान ने आदेश दिया, जाओ सारे पापियों को मारो जो तुम अत्याचार जो कर रहे हैं। अब जब एकादशी ने रौद्र रूप दिखाया तो सारे पाप भागे और सारे पाप जाकर के ब्रह्मा जी के पास गए। अच्छा, पाप किसका बेटा है, पुण्य किसका बेटा है? नहीं, पुण्य भगवान का ही पुत्र है और पाप भी भगवान का पुत्र है। ये पुण्य मतलब धर्म, भगवान के हृदय से धर्म प्रकट हुआ और भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। भगवान के हृदय से कौन प्रकट हुआ? धर्म। और भगवान की पीठ से अधर्म। तो पुण्य है हृदय से और पाप है पीठ से। भगवान के दोनों ही बेटे हैं। तो बेटा नालायक भले हो पर संकट आए तो पिता के पास जाए, दौड़ा दौड़ा गया पाप, हे प्रभु ये एकादशी तो हमें जलाए जा रही है, वो मार डालेगी, हमारा तो नाश हो जाएगा। एकादशी के प्रभाव से पाप जलने लगे, जैसे आग से घी पिघल जाता है, मोम पिघल जाता है, सारी चीज जलने लग जाती है, उसी तरह पाप जलने लग गए। अब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम छिप जाओ। कहां छिप जाएं? बोले जाओ अन्न में छिप जाओ। कहां छिप जाओ? कहां? अन्न में। अन्न मतलब अनाज, चावल, दाल, गेहूं, ज्वार, मक्का इत्यादि, ये सब अनाज है, इनमें जाके छिप जाओ, अन्न में। तो जाके छिप गए। एकादशी ने सारे पापों को समाप्त कर दिया पर अन्न ने पापों को जगह दे दी। तब एकादशी ने कहा एकादशी के दिन अन्न में ही सारे पाप एकादशी के डर से छिप जाते हैं, और वो अन्न आप लोग खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं एकादशी के दिन, चावल खा लेते हैं आप, तो वो जो पाप छिपे थे अन्न में वो पुनः आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, सबके पाप आप ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि जैसे रविवार के दिन तुलसी में भगवान नारायण का वास होता है,
जैसे रविवार के दिन पीपल में अलक्ष्मी का वास होता है, उसी तरह एकादशी के दिन पाप का वास अन्न में होता है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। तो क्या खाएं? फल खाओ। क्या खाओ? फल, फल, केला खाओ, सेब खाओ, सिंघाड़े के आटे की विधि से आप पूरी कचौड़ी जो भी बना सको प्रयोग कर लो। पेट भरना है, भूखे नहीं मरना, लेकिन अन्न नहीं खाना। लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि जी हम तो एकादशी करते ही नहीं। आप भले नहीं करते पर अन्न खाते हो ना, तो अन्न खाते हो तो पाप लगता है आपको, वो पाप खाते हो आप, क्योंकि एकादशी के दिन पाप का वास अन्न में होता है। और बाकी दिनों में सुनो, एकादशी के दिन चावल में, अनाज, अन्न में पाप का वास होता है, और द्वादशी के दिन, एकादशी के बाद की तिथियों में, विशेष द्वादशी के दिन अन्न में भगवान का वास होता है। अन्न में भगवान का वास होता है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, जब मंदिरों में नई भगवान की प्रतिष्ठा होती है ना, तो प्रतिष्ठा वाली जो मूर्ति होती है, एक दिन उनका वास जल में होता है और एक दिन उनका वास अन्न में होता है। मंदिरों में जो प्रतिष्ठा मूर्ति होती है ना, उन्हें अन्न में डुबाया जाता है एक दिन के लिए, क्योंकि एक दिन भगवान का वास अन्न में होता है। और केवल एकादशी के दिन अन्न में किसका वास होता है? केवल एकादशी। कितनी तिथियां होती हैं? तिथियां कितनी होती हैं? जोर से, तिथियां कितनी होती हैं? 30। आप 15 कह रहे हैं, वो भी ठीक है, पर टोटल तिथियां होती हैं महीने में 30। तो जो 30 तिथियां हैं, 15 मतलब प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, और फिर गिनो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, फिर बोल देना पूर्णिमा, तो हो गई ना टोटल 15 प्लस 15, तो टोटल महीने की तिथि कितनी हो गई? तो प्रत्येक महीने की जो 30 तिथियां हैं, इसलिए हमारा दिन 30 दिन, हमारा महीना 30 दिन का होता है, क्योंकि तिथि कितनी होती है? 15 प्लस 15 30। तो जो 30 तिथि हैं, इनमें केवल एकादशी तिथि ऐसी है जो कि महीने में दो बार आती है। ये दो दिन महीने में एकादशी जो तिथि है, इसमें अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न में किसका वास है? पाप का। देखो, सबकी मान्यता है ना, और मानना चाहिए। जैसे स्त्री जब मासिक धर्म में आती है, स्त्री जब मासिक धर्म में आती है तो कहते हैं उसमें ब्रह्म हत्या का वास है, क्योंकि इंद्र ने ब्रह्म हत्या ही तो दी ना स्त्रियों को, तो स्त्रियों को जो ब्रह्म हत्या दी वही तो रज है, वही तो रजस्वला है। तो ये जो रजस्वला स्त्री है, जो 5-7 दिन का आपका टाइम पीरियड होता है, इस समय स्त्री अशुद्ध क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस समय ब्रह्म हत्या जो इंद्र ने तुम्हें दी, मतलब ये लिखा हुआ है शास्त्रों में, इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बांटी, उनमें से एक दी स्त्रियों को, स्त्रियों का कोई दोष नहीं था पर इंद्र ने दी। अब आप प्रश्न कर सकते हैं क्यों दी, तो ये प्रश्न इंद्र से ही पूछा जा सकता है कि क्यों दी भैया तुमने, लेकिन जो है विधान वो मैं आपको केवल बता रहा हूं कि उस समय स्त्रियां जब अशुद्धि पर होती हैं तो उस समय स्त्रियों में किसका वास होता है? ब्रह्म हत्या का। इसलिए उस समय जो पुरुष स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, लेकिन उस समय केवल 4 दिन का दोष है। स्त्री पति के लिए
चौथे दिन शुद्ध हो जाती है, पर भगवान के लिए 7 दिन में शुद्ध होती है। स्त्री मासिक धर्म में है तो कितने दिन बाद पूजा करने का अधिकार है? 7वें दिन। परंतु पति के लिए वह 4थे दिन पवित्र हो जाती है, पर फिर भी हम सबको 7 दिन की ही मान्यता माननी चाहिए। तो कहा जाता है कि पुरुष ब्रह्म हत्या का पाप लगता है यदि वो मासिक धर्म में स्त्री का स्त्री से संबंध बनाता है। तो उसी तरह जैसे स्त्रियों को रज के समय पर स्पर्श करना वर्जित है, स्पर्श मतलब काम भाव से वर्जित है, उसी तरह एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित है। अब आप लोग माने ना माने, और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। स्त्रियों का मासिक धर्म में अशुद्धि होती है, उस अशुद्धि के दौरान बीमारियों के खतरे ज्यादा होते हैं, तो कहीं आप बीमार ना पड़ जाएं। उस अशुद्ध रक्त के संबंध में ना आ जाएं। दोनों कारण समझिए, साइंटिफिक रीजन समझिए। तो अन्न में भी वास है, इसलिए आप लोग जो कहते ना नहीं जी हम तो नहीं करते, नहीं करते भले, पर पाप तो खा रहे हो आप, मत करो। आप नहीं करते तो मत करो, पर नहीं करते फिर भी तो पाप है। आग में हाथ आप तो धोखे से डाल दो, तो धोखे से डालोगे तो जलेगा नहीं। आग में हाथ धोखे से डालोगे तो क्या जलेगा नहीं? जलेगा। ऐसे ही है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न खाने से। और ये साइंटिफिक बता, इसका साइंस बताऊं कि जब आप 14 दिन अन्न खाते हैं और 1 दिन अन्न नहीं खाते तो आपके पेट स्वस्थ रहता है। 1 दिन उसे मिल जाता है मौका पेट को ठीक रखने का। इसी बहाने क्या है, आपने फल खाए आज, आपको ना एकादशी के दिन फल खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप बाकी दिन अन्न खाओगे और 1 दिन पूरा पेट फल से भरोगे तो जो शरीर है हमारा उसे जो फल की आवश्यकताएं होती हैं वो फल से ग्रहण कर लेगा, आप स्वस्थ रहें। आप समझते नहीं, हर चीज का विज्ञान है हमारे भारत में, लेकिन विडंबना देखिए कि एकादशी के दिन आजकल लोग अन्न तो छोड़िए मांस भी खाते हैं, मुर्गी खाते, मछली खाते, कितना बड़ा पाप कमाते हैं। आगे से आप लोग प्रण करो एकादशी के दिन भूखे नहीं रहना, फल खाना, दूध पीना है, दही पीना है, वाडी को हमारी चेंज करके दो चीजों को, ताकि अच्छा रहे, आपके स्वास्थ्य के लिए चीजें अच्छी हैं। आपके बुजुर्गों ने पूर्वजों ने यदि कोई बनाया नियम तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, उसका साइंटिफिक रीजन है, और उस रीजन को समझिए। आज के यूथ को हर चीज को समझना चाहिए, ऐसे ही नहीं तुक्का मार दिया जी, तुक्का नहीं है हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में कुछ भी तुक्का नहीं है। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल साइंटिफिक समझा दूंगा। आप अब बताइए, हमारे शरीर को 1 दिन फलों की जरूरत होती है कि नहीं? रोज नहीं खा सकते तो कम से कम एकादशी के दिन खूब खाओ। 1 दिन रोज रोज नहीं, अन्न भी बदल के खाना चाहिए। पहले के लोग बदल बदल के खाते थे, कभी मक्के की रोटी खा ली, कभी ज्वार की रोटी खा ली, कभी गेहूं की रोटी खा ली। आजकल तो बस हर बार एक सही है, चेंज शरीर को, बॉडी को चेंज चाहिए स्वास्थ्य के लिए। तो एकादशी हम सबको करनी चाहिए। आज एकादशी है, एकादशी के दिन किया गया पुण्य कई गुना ज्यादा बढ़ता है। एकादशी के दिन किया गया पुण्य कई गुना फलदायी है, और एकादशी के दिन फलों का दान करना चाहिए।